टेक्सी द ग्लोबल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड्स कंप्यूटर चैलेंजिंग ट्रिक्स भाग संख्या एक में हमने दो महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी कंप्यूटर चैलेंजिंग ट्रिक्स भाग संख्या दो में आज दो और महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबों से हमारा विशेष अनुरोध है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और खुद को आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर दें। धन्यवाद। बिना समय को बर्बाद किए हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट, कभी कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही आपका कोई भी मन पसंदीदा पैकेज आपके अनुसार लॉन्च होता है? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही आप अपने अनुसार किसी पैकेज को ऑटोमेटिकली कैसे लॉन्च करें। तो आइए हम इस ट्रिक को समझते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है, आप स्टार्ट मेनू की ओर आइए और इस सर्च बॉक्स की ओर टाइप कीजिए शेल कॉलन स्टार्टअप, देन प्रेस इंटर। इस प्रकार स्टार्टअप विंडो खुल चुका है। अब आपको प्रोग्राम विंडो खोलना है। इसके लिए आप पुनः स्टार्ट बटन की ओर सिंगल क्लिक कीजिए एंड ऑल प्रोग्राम्स की ओर आइए और यहां माउस का राइट बटन दबाइए एवं ओपन ऑल यूजर्स की ओर सिंगल क्लिक कीजिए। इस प्रकार आपका स्टार्ट मेनू विंडो खुल चुका है। अब यहां प्रोग्राम्स की ओर आपको डबल क्लिक करना है। इस प्रकार आपका प्रोग्राम विंडोज खुल चुका है। अब आपको तय ये करना है कि आप किस मन पसंदीदा पैकेज को अपने अनुसार लॉन्च करना चाहते हैं। सपोज दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को लॉन्च करना है, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ओर डबल क्लिक कीजिए। अब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की ओर आइए, माउस का राइट बटन दबाते हुए इसे मूव कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका यहां कॉपी करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं। अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी हेयर में क्लिक कीजिए। कंप्यूटर को अब रीस्टार्ट करना है। ऐसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट करते ही आपका पैकेज एक्सेल ऑटोमेटिकली लॉन्च होगा। ट्रिक नंबर सेकंड, अब तक आप लोगों ने कई फोल्डर्स तैयार किए होंगे और उन सभी फोल्डर्स के लिए आप लोगों ने कई अलग अलग प्रकार का नाम भी डिफाइन किया होगा, लेकिन क्या आप सबों को मालूम है कि हम 5 अलग अलग नाम से फोल्डर तैयार नहीं कर सकते हैं। वो 5 अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं कि वो 5 अलग अलग नाम कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट CON, नंबर सेकेंड AUX, नंबर थर्ड PRN, नंबर फोर्थ NUL और नंबर फिफ्थ कि आप अपने फोल्डर का नाम ब्लैंक नहीं रख सकते हैं। दैट मीन्स आपको अपने फोल्डर के लिए कुछ ना कुछ नाम डिफाइन करना है, उसे एम्प्टी नहीं रखा जा सकता है। और एक बात कि आप एक नाम से दो फोल्डर एक ही स्थान की ओर तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बताएंगे जिससे कि आप CON, AUX, PRN, NUL के नाम से फोल्डर डिफाइन कर सकते हैं और यहां तक कि आप अपने फोल्डर का नाम ब्लैंक भी रख सकते हैं, अर्थात आप अपने फोल्डर के नाम को डिफाइन किए बिना फोल्डर तैयार कर सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ होगा कैसे, इसके लिए आपको दो तरह का कोड याद रखना होगा, एक Alt 0160 और दूसरा Alt 255, यानी आपको इन दोनों में से किसी एक कोड का इस्तेमाल करना है। या तो Alt के साथ आप 0160 को प्रेस करेंगे या तो आप Alt के साथ 255 को प्रेस करेंगे। आइए हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे
किसी फोल्डर के लिए हम CONAUXNUL या PRN इत्यादि नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले फोल्डर बनाते हैं। जैसा कि हम यहां फोल्डर का नाम डिफाइन कर रहे हैं AUX, बट इनवैलिड बता रहा है। फोल्डर का नाम हम यहां डिफाइन कर रहे हैं PRN, अब भी इनवैलिड बता रहा है। फोल्डर का नाम डिफाइन कर रहे हैं CON, अब भी इनवैलिड बता रहा है आपको। फोल्डर का नाम हम यहां से डिफाइन करते हैं NUL, अब भी आपको इनवैलिड बता रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम फोल्डर के लिए कुछ भी नाम डिफाइन नहीं करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम फोल्डर के लिए नाम तो डाले नहीं थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहां फोल्डर नेम क्या एक्सेप्ट कर चुका है, न्यू फोल्डर। मतलब अगर आप किसी फोल्डर के लिए कोई नाम चूज नहीं करते हैं, कोई भी नाम चूज नहीं करते हैं, तो वहां ऑटोमेटिकली जो है फोल्डर अपने लिए नाम निर्धारित कर लेता है, जिसे हम लोग डिफॉल्ट नेम कहते हैं। और यहां यह डिफॉल्ट नेम क्या है, न्यू फोल्डर। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम फोल्डर के लिए फोल्डर नेम CONNUL AUX PRN इत्यादि डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहां फोल्डर बनाएंगे और देखिए फोल्डर का नाम अगर आपको NUL या PRN इत्यादि डिफाइन करना है तो पहले आपको कोड यूज करना होगा। अब आपके पास दो कोड है, अल्ट के साथ आप 0160 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अल्ट के साथ आप 255 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ अल्ट के साथ 0160 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम फोल्डर का नाम रखेंगे NUL और ये देखिए फोल्डर नेम NUL डिफाइंड हो चुका है। चलिए हम दोबारा फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर का नाम रखते हैं हम PRN, बट देख रहे हैं क्या इनवैलिड बता रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अल्ट के साथ 255, अल्ट के साथ 255 या अल्ट के साथ 0160 का इस्तेमाल करना है और साथ में आपको लिखना है यहाँ CON। ये देखिए कौन के नाम से हम फोल्डर नेम डिफाइन कर चुके हैं। उसी प्रकार इस बार हम फोल्डर का नाम PRN रखेंगे, लेकिन फोल्डर का नाम PRN रखने से पहले हमें दबाना होगा अल्ट के साथ 0160 और फिर यहां लिखेंगे हम PRN। इस बार चलिए हम अपने फोल्डर का नाम रखते हैं, AUX, बट AUX नाम हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, इनवैलिड बता रहे हैं। तो अल्ट के साथ हम पहले 0160 कोड यूज करेंगे और उसके साथ हम यहाँ टाइप करेंगे AUX। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि NUL, AUX, CON, PRN इत्यादि नेम से हम फोल्डर डिफाइन कर चुके हैं। अब आइए कि हम फोल्डर का नाम ब्लैंक कैसे रखें। तो फोल्डर का नाम ब्लैंक रखने के लिए न्यू में जाइए, फोल्डर में क्लिक कीजिए। अब आपको यहां टाइप करना है अल्ट 0160 और कुछ नहीं करना है आपको, बस एंटर की को प्रेस कर देना है। अब देखिए आपके इस फोल्डर का नाम बिल्कुल ब्लैंक है। अब आइए कि हम एक ही नाम से दो फोल्डर नहीं बना सकते हैं। जैसे हम ARN के नाम से ऑलरेडी एक फोल्डर बनाए हुए हैं और दोबारा हम ARN के नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो चलिए हम यहां पर ARN नाम रखते हैं। ये देखिए बता रहा है कि आप एक नाम से दो फोल्डर एक ही लोकेशन के नहीं रख सकते हैं, एक को हटाना होगा अर्थात एक को रिप्लेस करना होगा। तो अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहां से आप यस कीजिए। हम रिप्लेस किए बिना एक ही नाम से दो फोल्डर एक ही लोकेशन की ओर कैसे रख सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप पहले अल्ट के साथ जो है 255 दबाइए या नहीं तो अल्ट के साथ 0160 दबाइए और यहां फोल्डर नेम टाइप कीजिए ARN। इस प्रकार देखिए हम एक ही नाम से दो फोल्डर बना चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई है तो आप इसको डिसलाइक करें। लाइक करने के साथ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि
आपको हमारे सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। धन्यवाद।